बीती रात बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए कुछ यात्रियों की भगदड़ हो गई। इस पूरी घटना में 9 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, ये वही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर ये पूरी घटना हुई। मैं आपको दिखा दूं, ये ट्रेन का आप जनरल कंपार्टमेंट देख लीजिए, इसी तरह से वो भी कंपार्टमेंट पैसेंजर से खचाखच भरा हुआ था। हालांकि उस ट्रेन में जो 22 डब्बे थे, सारे के सारे डब्बे अनरिजर्व थे। मैं दिखा दूं, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये अनरिजर्व पैसेंजर्स की भीड़ होती है। इनके पास रिजर्व सीट्स नहीं होती और इसी वजह से सीट पकड़ने की होड़ ज्यादा होती है। चूंकि ये पूरी ट्रेन 22 डब्बों की थी और पूरी की पूरी ट्रेन अनरिजर्व थी, यात्रियों की संख्या कुछ ज्यादा थी। दादा, इसी तरह की भीड़ पूरी है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है अभी। हाँ। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमें जम्मू कटरा जाना है। अच्छा। बहुत परेशानी हो रही है, सीट नहीं है, कुछ नहीं है अभी भी। वो खड़े होने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है। लास्ट तक जाएंगे, अभी इधर से चालू हो रहा है ना ट्रेन, लास्ट तक जाएंगे हम लोग। ट्रेन रुकेगी, उधर हम लोग उधर रहेंगे, बैग रखने की जगह, उधर ही उतरना है हम लोगों ने। छठ पूजा के लिए? हाँ, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। टिकट नहीं मिल रहा है? कहाँ टिकट? टिकट मिल रहा है मगर जगह नहीं है, टिकट निकाल के जगह नहीं मिल रही है। सुबह स्थिति खराब है, सॉरी, वॉशरूम के लिए जरूरत नहीं है, वो नहीं है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर पब्लिक जाए तो 10-15 दिन पहले जाए, अक्सर करके एंड टाइम पे कभी ना जाए। और कल नौ नहीं मिलेगी इतनी। मैं आपको ये भी दिखा दूँ, आप थोड़ा सा अंदर जाके आपको दिखा देते हैं कि कैसा क्राउड है यहाँ पर। लोगों को खड़े रहने तक की जगह यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर कुछ और यात्रियों से बात करूँगा। दादा, कितनी समस्याएं आती हैं ट्रेन से जाने के लिए, सीट्स अवेलेबल नहीं है लोग? अभी आप देख रहे हो कितना हालत क्या है आपके सामने है। अभी इन लोगों ने जो किया है ना, थोड़ा गलत भी किया है, सही भी किया है। गलत तो ये किया है कि जैसे कि अभी इन्होंने बैटिंग टिकट जो निकाला है कि बैटिंग टिकट वाले रिजर्वेशन में नहीं बैठ सकते। चलो ठीक है, आपको सीट मिल गई, कितनी कठिनाइयों से सीट मिली है? मेरा नया स्लीपर था वो चला गया है, नया स्लीपर मंगवाया है और इतना मगजमारी हुआ है कि पैर में भी चोट आई है लेकिन वो खाल खिल चुकी है। इतना धक्का मुक्की करने के बाद में भी पब्लिक परेशान है। आप देखो अंदर आदमी ऐसे जुड़े हुए हैं। अभी ये भाई साहब को मथुरा जाना है, 19 घंटा कहाँ बैठेंगे? 19 घंटा खड़ा रहने का मतलब क्या होता? पब्लिक को तो परेशानी है ना। मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगा। दादा, इस तरफ देखिए, दादा आपको सीट मिली है, कितनी कठिनाई हुई और कितने देर से आप खड़े थे? बहुत देर से, मतलब 2 घंटे हो गए थे पहले आए हुए, और कम से कम फिर बहुत धक्का मुक्की हुए, उसके बाद में सीट मिली भी। क्या है, यहाँ थोड़ा एडजस्ट ही किया है बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं यात्रियों की ये हालत है। फिलहाल इससे ज्यादा भीड़ गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में थी। पूरी की पूरी ट्रेन जो थी 22 डब्बों की, वो ट्रेन जो थी वो जनरल की थी। आप कहाँ जा रहे हैं दादा? अंबाला कैंट। जगह नहीं है, कैसे बैठेंगे? खड़े होकर जाएंगे और क्या करेंगे फिर? छठ पूजा जा रहे हैं? नहीं, दिवाली के लिए। दिवाली के लिए जा रहे हैं। तो दिवाली में आप देखिए कि इसी तरह की भीड़ यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कल किस तरह के कितने बंदोबस्त होते हैं हमारे, थोड़ा अगर समझना चाहें तो हम बात करेंगे इनसे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत रही होगी। ये फिलहाल ट्रेन में एक अनरिजर्व कोच आपको हमने दिखाया, उसकी स्थिति दिखाई, एक उदाहरण के तौर पे दिखाया। लेकिन जो गोरखपुर जाने वाली ट्रेन थी उसमें 22 कोचेस थे और जितने के जितने कोचेस थे सारे अनरिजर्व कोचेस थे, और इसी वजह से पैसेंजर्स का जो नंबर्स था वो कुछ ज़्यादा था। कैमरा से अनिल के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़ मुंबई। बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में भगदड़ मची, जिसमें 9 यात्री घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं 7 का इलाज चल रहा है। मैं आपको यहाँ विजुअल्स दिखा देता हूँ, आप विजुअल देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी कि लोगों का जो चप्पल है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में गिर गया। आप यहाँ देखिए कि लोगों का बैग भी यहाँ पर टूटा हुआ आपको दिखाई देगा, किसी के यहाँ पर बैग का एक जो कॉर्नर है वो भी फटा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लोगों के चप्पल ही यहाँ पे दिखाई देंगे, जितने जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों के चप्पल, लोगों के टूटे हुए बैग आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये भी आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा कि किसी का बैग है जो टूट गया यहाँ पर, फिर भी वो किसी तरह से ट्रेन में चढ़ा होगा। किसी का टोपी यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल
कल जो स्थिति रही होगी, बीती रात की जो स्थिति रही होगी वो कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर रही होगी, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ पर आपको चप्पल जूते दिखाई देंगे। ये आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा किसी का ट्रॉली बैग का टायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टूट गया है। तो इसे देखकर एक आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कल की स्थिति क्या रही होगी। रेलवे जो दावा करता है कि क्राउड मैनेजमेंट, वो क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं रहा होगा और इसी के चलते इस तरह की घटना हुई। ये पूरी ट्रेन जो थी जनरल कंपार्टमेंट की ट्रेन थी, यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स थे वो अनरिजर्व सीट के लिए आए थे, यानी कि जो जैसे जितनी जल्दी जिसको जो जाएगा अंदर जितनी जल्दी वो सीट पकड़ लेता है वो सीट उसकी हो जाती है। और इसी होड़ में भगदड़ मच गई, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी रेलवे की भी है कि किसी भी तरह का क्राउड मैनेजमेंट न होने के चलते लोग बेकाबू हुए, लोग ट्रेन की तरफ भागे, सीट पकड़ने की होड़ में भागे। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।